गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टोरी सॉन्ग्स है। ये क्लास टू का और चैप्टर एडिशन जो है वही आपका, जिसमें हम लोग पिछली बार जो हम लोग डिजिट वाला पढ़े थे, जोड़ घटाव करना, जोड़ना, और ये चैप्टर थ्री है आपका एडिशन। और इसमें हम लोग डिजिट वाले पढ़े थे कुछ, जो इस तरह से इसको कैसे जोड़ना है ये। अब जो हमको पढ़ना है स्टोरी सम है, जिसमें ये स्टोरी में ये तो हम लोग सिंपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7+6 7 6 13 4 3 1। अब जो होगा स्टोरी सम, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं वो आपका। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टोरी सम में आएगा। और स्टोरी सम्स वो इस तरह से है, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन हमारा, ए शॉपकीपर सोल्ड 35 फ्रूट्स ऑन मंडे एंड 23 फ्रूट्स ऑन ट्यूजडे, हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही सेल इन। मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, एक या दो क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी जो है आपको खुद से बनाने होंगे। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस क्वेश्चन नंबर जो है आप उसमें कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, ताकि हम उसे फिर से क्लियर कर देंगे। तो हमारे जो है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल जो है इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर एक, ए शॉपकीपर सोल्ड 35 फ्रूट्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन होगा, ए शॉपकीपर सोल्ड 35 फ्रूट्स ऑन मंडे। लेकिन मंडे में, यानी कि सोमवार को, मंडे को शॉपकीपर जो है, दुकानदार, वो 35 फ्रूट्स बेचता है, और ट्यूजडे को 23 फ्रूट्स बेचता है। तो हाउ मेनी फ्रूट डिड ही सेल इन टू डेज, तो दो दिनों में वो कितना, हम जानते हैं दो दिनों में जब ऑल लिखा हो, टोटल लिखा हो, ऑल लिखा हो, तो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू डेज, यानी कि दोनों दिन में, दोनों दिनों में। तो ऐसे जब हम लोग ऐड करते हैं, ऑल लिखा हो, टोटल लिखा हो, और इस तरह के जो टैग वर्ड्स होते हैं, अगर ऐसे शब्द हो तो समझ जाना है हमको कि वहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि दो दिनों में कितना बेचा। तो हमारा ये इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा कि द नंबर ऑफ सोल्ड फ्रूट्स ऑन मंडे इज इक्वल टू 23। ये बस ये वर्ड जो है, ये लैंग्वेज जो है, आपको इसी तरह से दूसरा भी वही आएगा, बस यहाँ पर मंडे की जगह पर ट्यूजडे लिख देना है। द नंबर ऑफ सोल्ड फ्रूट्स ऑन ट्यूजडे क्या होगा? सॉरी, 35 था फर्स्ट वाले में, 35 है, और सेकेंड डे जो है वो कितना सेल किया? 23। सो अब देखिए, पहला दिन 35, दूसरा दिन 23, तो टोटल कितना हुआ लिखेंगे। सो ही सेल इन टू डेज इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इधर इसके बगल में अगर स्पेस हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 35 और 23 लिख देंगे। ये आपका वंस है, टेंस है, अगर कैरी बचा तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब इसको 7 5 12 कैरी 1 और 3 2 5 1 6, कितना आया टोटल हमारा? 62। तो आप जो है ऐसे इसको सॉल्व करोगे, और बेहतर ये रहेगा आपको यहाँ पर एक बनाने का सिंपलेस्ट, अगर यहाँ पर स्पेस है तो आप स्पेस देकर यहीं पर ही क्या करोगे, बगल में ही ये ऐड कर देना है वहीं पर, और उसके बाद उसे लिखना है। और यह पेंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, रोमा हैज 52 कार्स एंड निधि हैज 31 कार्स, हाउ मेनी कार्स आर देयर इन ऑल। देखिए, रोमा के पास 52 कार्ड्स है और निधि के पास 31 कार्ड्स है, तो दोनों के पास कुल कितने, देखिए ऑल लिखा हुआ है, ऑल लिखा है मतलब जोड़ है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे हम वैसे ही, तो लिखेंगे
नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स हैज रोमा इज इक्वल टू 52, और ये लिखना होगा नंबर ऑफ कार्ड्स हैज निधि इज इक्वल टू 31. सो टोटल कार्ड्स इन ऑल इज इक्वल टू 52 प्लस 31, और इसको ऐड करके यहाँ पर लिख लेंगे. तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही रहेगा. आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर जो सॉल्व नहीं होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, हम यहाँ पर फिर से सॉल्व करके उसको भेज देंगे, एक्सप्लेन करके भेज देंगे. फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद.